आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां एवं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की समीक्षा के मद्देनजर छिंदवाड़ा पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता में आगामी विधानसभा चुनाव अभियान का शंखनाद करते हुए कहा कि हम इस बार छिंदवाड़ा की सातों विधानसभा सीट और लोकसभा सीट भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, उनको बीज नहीं मिल रहा है, फसलों के दाम नहीं मिल रही हैं, किसान खाद और बीज के लिए परेशान है और यह हाल पूरे प्रदेश का है। उन्होंने कहा कि इनके मंत्री भी बेचारे फंसे हुए हैं, इनकी विकास यात्रा का 160 विधानसभा क्षेत्रों में विरोध हुआ है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह घोषणा के नशे में है, वह जगह जगह जाकर देख रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। छिंदवाड़ा में भाजपा के प्रदर्शन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी छिंदवाड़ा में कमलनाथ से नहीं लड़ती, जब छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ती है तो छिंदवाड़ा की जनता से लड़ती है। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी ने, भारत के लोकप्रिय, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज हम आगे बढ़े हैं कि गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 53% एवरेज वोट मिला है, 182 में से 156 सीटें जीत करके राजनीतिक इतिहास में, देश के अंदर इतिहास बना, तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं उस इतिहास को बनाने में बूथ के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें हम पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति का निर्माण, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जब रात को आया, सुबह जब पहुंचा और आज सुबह में जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठा, तो आज बूथ विस्तार अभियान पार्ट टू में छिंदवाड़ा के अंदर लगातार प्रगति के पथ पर प्रत्येक बूथों के सशक्तिकरण के अभियान में हमारी यहाँ लोकसभा की प्रभारी बहन कविता पाटीदार जी, हमारे अशोक यादव जी। NBC न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।